तो दोस्तों आप सभी के फ़ोन में प्ले स्टोर ज़रूर होता है। जी हाँ दोस्तों, हम उसी प्ले स्टोर की बात कर रहे हैं जहाँ पर जाकर आप बहुत सारी एप्लीकेशंस अपने फ़ोन में डाउनलोड करते हैं। लेकिन दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम आपको आपके प्ले स्टोर की चार ऐसी ज़बरदस्त सेटिंग के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें दोस्तों अगर आप एक बार अपने प्ले स्टोर में जाकर कर देते हैं तो दोस्तों आपकी बैटरी जो ड्रेन होती थी वो ड्रेन होना काफ़ी कम हो जाएगी और आपकी बैटरी बिल्कुल नाम मात्र की खर्चा होगी। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद आप कितना भी फ़ोन चला लें, यूट्यूब पर वीडियो देखें, कुछ भी करें, आपकी बैटरी जो है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेगी। दोस्तों वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी बैटरी काफ़ी ज़्यादा ड्रेन होती है, आप अपने बैटरी के बैकअप को बढ़ाना चाहते हैं तो दोस्तों आज जो प्ले स्टोर की चार सेटिंग्स मैं आपको बताने वाला हूँ, इन चारों सेटिंग्स को आप लोग एंड तक जरूर देखना। उसके बाद दोस्तों 100% आपके फ़ोन की बैटरी की प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले यहाँ पर आप इस बटन को प्रेस करके वीडियो को कर दीजिए लाइक, उसके बाद इस लाल बटन को प्रेस करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिए। इतना करने के बाद दोस्तों आपको मुझे कमेंट बॉक्स में जाना, कमेंट बॉक्स में एक अच्छी कमेंट सी कमेंट लिख देनी है, आपको नाइस ट्रिक लिख के सेंड कर देना है। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना है। आप जैसे इतना कुछ कर लेते हैं तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों आज जो प्ले स्टोर की चार सेटिंग्स मैं आपको बताने वाला हूँ, ये चारों सेटिंग्स से आपको बैटरी को इतना ज़्यादा फायदा होने वाला है कि आपकी बैटरी ड्रेन होने का नाम नहीं लेगी। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं प्ले स्टोर की अपनी पहली सेटिंग की। तो दोस्तों पहली सेटिंग करने के लिए आपको सबसे पहले अपना प्ले स्टोर एप्लीकेशन ओपन कर लेना है और प्ले स्टोर एप्लीकेशन ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको सिंपली अपने लोगो पर क्लिक करना है। लोगो पर क्लिक करने के बाद आपको सेटिंग पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको फर्स्ट नंबर पर जनरल की सेटिंग मिल जाएगी, तो आपको जनरल पर टैप करना है और यहां पर आपको एक सेटिंग मिल जाएगी थीम की, तो यहां पर आपको टैप करना है। अब यहां पर दोस्तों आपको इसे डार्क पर सेलेक्ट कर लेना है इस तरीके से। इससे दोस्तों आपकी स्क्रीन जो है वो पूरी ब्लैक हो जाएगी और अब आपके फोन की बैटरी काफी कम यानी कि बिल्कुल ना के बराबर खर्चा होगी। दोस्तों ये पहली सेटिंग काफी इंपॉर्टेंट है जो आपको अपने प्ले स्टोर में आकर अभी से ऑन कर लेनी है। तो फिलहाल मैं इसे लाइट पर कर देता हूं क्योंकि मुझे वीडियो बनाना है और आपको वीडियो देखने में प्रॉब्लम होगी। उसके बाद दोस्तों आपको बैक आना और बैक आने के बाद अपने प्ले स्टोर में सेकंड सेटिंग करनी है। तो सेकंड सेटिंग करने के लिए यहीं पर दोस्तों आपको नोटिफिकेशन की सेटिंग मिल जाएगी, तो यहां पर आपको आना है और यहाँ पर आपको जितनी भी नोटिफिकेशंस हैं उन सभी नोटिफिकेशन को इस तरीके से बंद कर देना है। फिर चाहे वो अपडेट्स की नोटिफिकेशन हो, कोई भी नोटिफिकेशन हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता यहाँ पर नोटिफिकेशन की कोई भी ज़रूरत होती है, तो इन सभी नोटिफिकेशंस को आपको इस तरीके से बंद कर देना है। इससे दोस्तों आपकी काफ़ी ज़्यादा बैटरी जो है कंज्यूम होती थी, क्योंकि जब आपका फ़ोन रखा होता था बैकग्राउंड में ये जो है प्रोसेस किया करता है, स्कैन किया करता है कि कौन सी ऐप अपडेट करने वाली है और कहाँ पर किस एप्लीकेशन में क्या है, तो इससे दोस्तों बैकग्राउंड में आपकी काफ़ी बैटरी कंज्यूम होती है। तो दोस्तों आपको इन सेटिंग्स को हमेशा अपने प्ले स्टोर के अंदर बंद कर देना, उसके बाद दोस्तों आपको बैक चले आना है। दोस्तों ये दो सेटिंग करने के बाद आप देखेंगे कि आपके फोन की बैटरी का बैकअप 50% तक बढ़ जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको अपने फोन के प्ले स्टोर में तीसरी सेटिंग करनी है। तो दोस्तों तीसरी सेटिंग करने के लिए आपको यहीं पर नीचे आना है और नीचे दोस्तों आपको यहां पर एक सेटिंग मिल जाएगी नेटवर्क प्रेफरेंस की, तो यहां पर आपको आना है। अब यहां पर दोस्तों आपको एक सेटिंग देखने को मिल जाएगी ऑटो अपडेट्स ऐप की, तो यहां पर आपको आना है और यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन मिल जाएंगे, ओवर एनी नेटवर्क, ओवर वाईफाई ओनली, डोंट ऑटो अपडेट ऐप, तो इसे दोस्तों आपको डोंट ऑटो ऐप पर सेट कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको डन पर सेट कर देना है, क्योंकि दोस्तों हमारे फ़ोन में सैकड़ों एप्लीकेशंस होते हैं जिनमें रोज छोटे मोटे अपडेट्स आते रहते हैं और अगर आपने फर्स्ट नंबर पर सेट करके रखा हुआ है ओवर एनी नेटवर्क पर, तो पर डे आपके फ़ोन में बहुत सारे एप्लीकेशंस जो है वो अपडेट हुआ करेंगे। इससे दोस्तों आपके फ़ोन की बैटरी काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम होगी, साथ ही आपका मोबाइल डाटा भी काफ़ी ज़्यादा खर्चा होगा। दोस्तों इसे आपको बंद कर देना। उसके बाद दोस्तों आपको एक ऑप्शन और देखने को मिलेगा यहाँ पर ऑटो प्ले वीडियो, तो यहाँ पर आना है और इसे भी आपको डोंट ऑटो प्ले पर कर देना है। कई बार दोस्तों आप जब भी प्ले स्टोर पर आते हैं तो बहुत सारे जो एप्लीकेशंस के टीजर होते हैं वो अपने आप प्ले होने लगते हैं, उससे भी दोस्तों आपके फ़ोन की बैटरी काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम होती है, तो यहाँ पर आपको डन कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको बैक चले आना है। अब दोस्तों ये तीन सेटिंग करने के बाद आपको चौथी सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग करनी है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसे करने के लिए आपको अपने लोगो पर क्लिक करना है। लोगो पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा प्ले प्रोटेक्ट का,
तो यहाँ पर दोस्तों आपको इसे ऑन कर लेना है। अब दोस्तों इसे ऑन करने से आपको सबसे पहले बता दूँ कि फ़ायदा क्या होने वाला है। तो इसका दोस्तों सबसे बड़ा फ़ायदा है तो ये होने वाला है कि आप आपके फ़ोन में जितनी भी एप्लीकेशंस होंगी, वो जितनी सर्टिफाइड एप्लीकेशंस होंगी, वही एप्लीकेशंस आपका प्ले स्टोर आपको डाउनलोड करने की इजाज़त देगा। यानी कि आपके फ़ोन में ऐसी कोई हार्मफुल एप्लीकेशन नहीं होगी जो आपकी बैटरी को बैकग्राउंड में काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम करे, और ये आपके फ़ोन को समय समय पर ऑटोमेटिकली स्कैन करता रहेगा। तो यहाँ पर आपको आना है सेटिंग पर, और इस तरीके से यहाँ पर इसे आपको ऑन कर देना है। और यहाँ पर आप जैसे ऑन करेंगे तो आप देखते हैं हमारे फ़ोन में यहाँ पर लिख के आ चुका नो हार्मफुल ऐप्स फाउंड। तो अगर आपके फ़ोन में भी यहाँ पर ऐसा कुछ लिख के आ रहा है तो समझ लीजिए कि आपका फ़ोन बिल्कुल भी सही है और आपके फ़ोन में बैटरी को लेकर कोई भी इश्यू नहीं है। तो बस दोस्तों आपको एक चार सेटिंग अपने प्ले स्टोर में कर लेनी, उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी बैटरी का बैकअप काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आगे भी ऐसी वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, आपका दिन शुभ हो।